हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सबको ये अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यूट्यूब जो चैनल नेम है उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम लोग बात करेंगे यूट्यूब का जो चैनल नेम है उसको कैसे हम लोग चेंज कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो ये वीडियो मैं थोड़ा शॉर्टकट में बना रहा हूँ। मेरा जो काफ़ी दो चार वीडियो है काफ़ी लंबे हो चुका है, इसलिए मैं ये वीडियो बहुत शॉर्टकट में बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप आपका यूट्यूब चैनल जो है उसको खोल दीजिए, ठीक है। जैसे यूट्यूब आप खोल लेंगे, फिर यहाँ पर आपको अपना जो आइकन है यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ये आइकन पर आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर योर चैनल परचेज एंड मेम्बरशिप यूट्यूब स्टूडियो ये सब आ रहा है, ठीक है। आप ये तीसरे वाला पे जहाँ पे सेटिंग जैसा एक दिख रहा है आइकन, ये यूट्यूब स्टूडियो जहाँ पे लिखा हुआ है आप उस पर फिर वापस लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस खुल के आएगा, ये सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप इसको ये लेफ्ट साइड में स्क्रॉलिंग कीजिए, स्क्रॉलिंग कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिलता है, ठीक है। ये जो कस्टमाइजेशन लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन के नीचे जो मैंने मिलता है ना कस्टमाइजेशन, उसी पे क्लिक करना है। जिसे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस खुल के मिलेगा, ठीक है। ये लेआउट छोड़ देना, ब्रांडिंग छोड़ देना, इसके बारे में शायद पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको करना है क्या है, बेसिक इन्फो में आ जाना, ठीक है। जैसे बेसिक इन्फो में आएंगे हम लोग यहाँ पे जो, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है डिवाइन कोनार्क, तो यहाँ पे जो एडिट का बटन दिख रहा है आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये चैनल नेम आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चैनल नेम मेरा एक्चुअली मेरा चैनल नेम जो था वो टेक एंड टिप्स था, तो मैंने इसको लास्ट डे चेंज किया डिवाइन कोनार्क करके। मैंने देखा कि कोई दूसरा चैनल है टेक एंड टिप्स में जिनका सब्सक्राइबर करीबन 1200 के आसपास था, इसलिए मैंने चैनल नेम चेंज किया। मैंने काफ़ी सारे सर्च किया यूट्यूब पे जो ऐसा चैनल नहीं है, तभी मैंने ये चैनल नेम चेंज किया। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आप पब्लिश कर दीजिएगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे चैनल नेम चेंज कर देंगे यहाँ पे पब्लिश का बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार पब्लिश में क्लिक कर देंगे तो आपका चैनल नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों आज ये वीडियो इतना ही है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, या तो मान के चलिए कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन जो है इसको दबाने ना भूले, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप लोग को पहले नोटिफिकेशन आए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्ते।